अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ आपको साइकोलॉजी रूट्स की नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी जॉब्स के अलावा आज एक डिफरेंट टॉपिक जो कि है आपके लिए इंतहा हेल्पफुल, और वो है रिलेटेड टू बुक्स। आप जैसा कि एज अ स्टूडेंट प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि आप ने डाउनलोड करनी है या आपको ज़रूरत है किसी खास बुक की, और या फिर आप स्टडी करना चाह रहे हैं किसी खास सब्जेक्ट को और चाहते हैं कि उसके हवाले से आपको इम्पोर्टेंट और अच्छी बुक्स मिलें। कुछ बुक्स तो आपके पास आपकी लिस्ट में मौजूद होती हैं और कुछ बुक्स जो होती हैं वो आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपको सजेस्ट करे। तो आज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है बेस्ट बुक फॉर पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी को जो लोग स्टडी कर रहे हैं या जिनका इंटरेस्ट है, तो उनको आज मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो उनके लिए अच्छी हैं, और हो सकता है कि आपके पास इनसे भी अच्छी बुक्स के नाम मौजूद हों, और आपसे जानेंगे कि वो बुक्स कौन सी हैं ताकि अपनी लिस्ट के अंदर अपडेट कर सकें, ताकि वो लिस्ट जो है हमेशा के लिए सबके लिए अवेलेबल रहे। तो स्टार्ट करते हैं, और इसमें ये भी देखेंगे हम कि किस तरीके से आप वो बुक्स फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और साइकोलॉजी रूट्स आपको इसमें किस तरीके से हेल्प आउट करेगी। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वेबसाइट को बुक मार्क कर लें, क्योंकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अपडेट होती है हमारी वेबसाइट के ऊपर और उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले उन अपडेट्स को हासिल करना तो हमारी वेबसाइट को बुकमार्क कर लें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि आपके सामने इस वक्त psychologyroots.com ओपन है, और इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपके सामने जो चीजें आ रही है, एक मेन्यू है और मेन्यू के साथ एक्सप्लोर का ऑप्शन है, जिसमें टूल के ऑप्शन के अंदर बुक्स का ऑप्शन मौजूद है। तो ये हमारे पास जो बुक्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हमें कॉपीराइट का नोटिस नहीं मिला, वो बुक्स अभी तक अवेलेबल हैं, फ्री में डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं, और जिन बुक्स का हमें नोटिस मिला वो बुक्स हम हटा चुके हैं अपनी वेबसाइट से। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बुक्स हमारे पास अभी भी मौजूद हैं और आप वो एक रिक्वेस्ट के ऊपर वो बुक्स हासिल कर सकते हैं हमसे दोबारा। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है बेस्ट बुक फॉर पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। टिप्स है तो आप हमें एक्सप्लोर के अंदर राइटिंग में जाके इसको सर्च आउट कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद राइटिंग में टिप्स को फौरी तौर पे करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ बुक्स, ना सिर्फ पॉजिटिव साइकोलॉजी बल्कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस एंड सो ऑन, हर फील्ड के हवाले से यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होंगे। और ये टिप्स का पोर्शन सिर्फ से सिर्फ इस मकसद के लिए है कि आपको ऐसी टिप्स प्रोवाइड की जाएं जो आपकी स्टडी के अंदर हेल्पफुल हों और आप एक शॉर्ट टाइम के अंदर उन चीज़ों को कंक्लूड कर सकें। तो चले आप स्टार्ट करते हैं। आज जैसे हमारा टॉपिक है पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो इसको ओपन कर लेते हैं अपने पास। बेस्ट बुक फॉर पॉजिटिव साइकोलॉजी को मैं ओपन कर रहा हूँ, और जैसे कि ये पोस्ट आज ही मैंने अपडेट की है इसलिए इसके रिसेंट हम देख लेते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन लिस्ट जो है बुक्स की लिस्ट देखेंगे, फिर आप उसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, फिर इसी तरीके से आप देख सकेंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजी रूट्स आपको इसमें हेल्प आउट करेगा। अगर आपके पास लिस्ट की में कोई ऐसी बुक है जो नहीं मौजूद तो आपको क्या करना है, किस तरीके से उस को लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं, और आप हमारे इस आर्टिकल को मजीद बेहतर करने के लिए अपनी सजेशन किस तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बेस्ट बुक फॉर पॉजिटिव साइकोलॉजी हमारा मेन था, उसी हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले कि हम इस पोस्ट के अंदर वो कंप्लीट लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो हमारे पास मौजूद है, जो कलेक्शन है उसके हवाले से उनको देखते हुए हमने ये लिस्ट प्रिपेयर की है। इसके अंदर बाइंग और फ्री इंफॉर्मेशन दोनों आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी बुक जो है हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर, या पहले जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से जाकर डायरेक्टली तौर पे आप, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अलग मैंने ओपन किया है, जितनी देर में ओपन हो जाता है तो आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हमसे
कोई भी बुक डिमांड कर सकते हैं जो यहाँ पे लिस्टेड है या लिस्टेड नहीं है, कोई भी बुक वो आप हमसे कर सकते हैं। और उसके लिए कम्युनिटी के अंदर आपने एक क्यूरी क्रिएट करनी है और उसकी बेस के ऊपर हम आपको आपकी क्यूरी पे फौरी तौर पे आंसर कर देंगे, ठीक है। कोई ज्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम 2 to 3 hours लगते हैं वर्किंग टाइम के, उसके अंदर आपको वो बुक प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बुक्स की लिस्ट। तो बुक्स की लिस्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी बुक की लिस्ट है। अगर हम इसमें से एक दो को रीड आउट करें, अ लाइफ वर्थ लिविंग कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव साइकोलॉजी बाय मिहले का है, तो ये बुक जो है हटा दी गई है, कॉपीराइट क्लेम आया था उस वजह से हट चुकी है। और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर जो है वो इन पोस्ट के अंदर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दो बेसिक चीजें हैं। एक आपको लिंक प्रोवाइड करना डायरेक्टली तौर पे बुक का, जिस तरीके से ये मुकम्मल आप देख रहे हैं कि है, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो मैं इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और उसको मैं दिखाऊंगा। तो ये आप हमारी वेबसाइट पे इस वक्त बुक अवेलेबल है डाउनलोडिंग के लिए, तो आप डायरेक्टली तौर पे इस पे क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके ऊपर मुकम्मल नहीं आ रहा, उसका मतलब ये है कि वो बुक इस वक्त हमारी कलेक्शन में, यानी मेरे पास मौजूद तो है लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैंने इस वक्त वेबसाइट के ऊपर नहीं रखी। तो आप वो बुक भी हासिल कर सकते हैं एक कम्युनिटी के अंदर क्यूरी क्रिएट करके। अच्छा, उसके अलावा ये जो सिर्फ कुछ अल्फाज इस तरीके से आ रहे हैं जिसके ऊपर आप माउस ले जाते हैं तो इस तरीके से आ जाता है, तो ये हमने ग्लॉसरी ऐड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जिसमें हम अल्फाज के जो मीनिंग्स हैं, जो साइकोलॉजिकली उनकी डेफिनेशंस हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको उस हवाले से भी एक ब्रीफ सी हेल्प मिलती रहेगी कि कहीं पे आपको कोई, ये हर पोस्ट में हर जगह के ऊपर ये फंक्शन जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन 1952 आइजनिक कॉइंड द टर्म इज रेफरेंस टू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, उसने यूज की थी। लेकिन आप रीड मोर के ऊपर जाके मुकम्मल, क्योंकि जो डिक्शनरीज ऐड हो रही हैं वो 1, 2, 3 हमारे पास जितनी भी डिक्शनरीज की बुक अवेलेबल हैं उनमें से डेफिनेशन उठा के उस लफ्ज के ऐड हो रही हैं, जिसमें 1, 2 और वो एक डिफरेंशिएशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो ये बुक्स जो हैं ये यहाँ पे आपके सामने हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 10+ बुक्स हैं। आप इनको रीड आउट करें, आपको जो बुक अच्छी लगती है वो आप बिला झिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, आप इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें, अपना ईमेल दें, उसके ऊपर आपको उसका डाउनलोड लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि ये बुक्स हैं और हमने यहाँ पे एक बुक ओपन की थी, जैसे कि यहाँ पे नजर आ गया क्लिनिकल हैंडबुक ऑफ माइंडफुलनेस, ठीक है, तो ये हमने ऐड की हुई है और इसके हवाले से बकायदा इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड है कि फीचर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 लिंक अवेलेबल हैं। अगर आप परचेज करना चाह रहे हो तो अमेजोन के ऊपर क्लिक करो और फौरी तौर पे अमेजोन के एग्जैक्ट उसी लिंक पे आ जाओगे जहां से आप डायरेक्टली तौर पर इस बुक को परचेज करोगे। इसी तरीके से दूसरा लिंक पीडीएफ ड्राइव, यानी कि वो सोर्स जहां से ये आप फ्री में नल वर्जन, ऐसे समझ लें क्रैक वर्जन, वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आप एग्जैक्टली तौर पे उस लिंक पे चले जाएंगे और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये आ गया और यहां से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा लिंक गूगल ड्राइव का, लेकिन अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से मैंने बताया कि कॉपीराइट क्लेम आने के बाद मेरी मुकम्मल तौर पे जो गूगल ड्राइव जो मैंने यहाँ पे लिंक शेयरिंग के लिए इस्तेमाल की हुई थी वो टोटली तौर पे बंद हो चुकी है। अगर आप मुझे इस तरीके से क्लिक करेंगे भी तो शेयरिंग के लिए करेंगे भी तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आप रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन इस रिक्वेस्ट करने का बेनिफिट नहीं है यहाँ से। उसकी रीजन ये है कि ये वाली गूगल ड्राइव, क्योंकि पहले यहाँ पे डायरेक्टली बुक ओपन होती थी लेकिन आप कॉपीराइट क्लेम की वजह से वो जो है बंद हो चुकी है मेरी गूगल ड्राइव, और मैंने अब उसको डिफरेंट सोर्स के ऊपर रखा हुआ है। और जब भी मैं शेयर करता हूँ तो एनोनिमसली लिंक क्रिएट करके और वहां से करता हूँ, ताकि जो मेरा मेजर सोर्स है, ताकि वो जो जितना भी मटेरियल मेरे पास पड़ा है वो जाया ना हो, वो आपको जब भी जरूरत पड़े वो आपको दोबारा मुयस्सर रहे। तो ये मतलब बुक के हवाले से, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी इस किस्म की इवेंट होता है, कोई भी इस किस्म की चीज होती है, मैं फौरी तौर पे कम्युनिटी के अंदर अनाउंसमेंट का सेक्शन रखा हुआ है,
अनाउंसमेंट का और यहाँ पे ट्यूटोरियल का। तो ये मैं फौरी तौर पे बताता हूँ, ये देखें कि 4 माह पहले ही ये मेरी गूगल ड्राइव से स्पेंड हो चुकी है। मैंने बाकायदा तौर पे यहाँ पे मेंशन कर दिया था अनाउंसमेंट के अंदर, बता दिया था कि अगर आप इस हवाले से परेशान हो कि नहीं काम कर रहा, किसी बुक या स्केल के अंदर लिंक लगा हुआ है गूगल ड्राइव का और वो नहीं काम कर रहा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे रजिस्टर होना है और रजिस्ट्रेशन होने के लिए भी यहाँ पे मैंने मुकम्मल आपको गाइड प्रोवाइड की हुई है, वीडियो गाइड है अवेलेबल, देखें ट्यूटोरियल एंड गाइड मौजूद है इस नाम से। और इसके अंदर है कि क्रिएट अ कम्युनिटी, ये जो है क्रिएट क्यूरियन कम्युनिटी, ये यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि आप इसको पढ़ें और इसको देखते हुए आप को रिसर्च के हवाले से हेल्प चाहिए, स्केल चाहिए वो आप हेल्प ले सकते हैं, क्लिनिकल के हवाले से आपको हेल्प चाहिए वो ले सकते हैं, काउंसलिंग फ्री की ये फीचर्स हैं यहाँ पे। और ई बुक्स में देखें कि आपको कोई भी चाहिए, ये देखें 7 डे पहले हमें एक रिक्वेस्ट आई और फौरी तौर पर हमने उनको वो प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे MCQs अपलोड हो रहे हैं, हिस्ट्री अपलोड हो रही है और बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स हैं इस कम्युनिटी के, लेकिन क्योंकि हमारा इस वक्त फोकस जो है, मेजर कंसंट्रेशन जो है वो बेस्ट बुक्स है, तो बेस्ट बुक्स के हवाले से आपको कोई भी बुक इन लिस्ट में से चाहिए हो, कोई इसके अलावा चाहिए हो, तो आप फौरी तौर पे हमें बताएं, मुझे बताएं, मैं वो बुक फौरी तौर पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हाउ टू अवेल बेस्ट बुक्स फॉर पॉजिटिव साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2 मेथड है, फ्री और पेड। पेड मेथड ये है कि हर ऑलमोस्ट ऑल बुक आर अवेलेबल ऑन Amazon और पब्लिशर वेबसाइट। आप जो भी बुक आप देखते हैं, आप गूगल करते हैं, उसके साथ पब्लिशर लिखा आ जाता है, Amazon का लिंक आ जाता है, तो वहां पे आप जाएं और डायरेक्टली तौर पे बाय कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं और आपको नहीं पता कि Amazon से किस तरीके से बाय करना है, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट मुझे एक मैसेज या इस वीडियो के नीचे लिखें, मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दे दूंगा कि किस तरीके से आप डायरेक्टली तौर पर बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्री में किस तरीके से लेना है, तो फ्री पे बहुत सारी बुक्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि कुछ कॉपीराइट क्लेम की वजह से हमने बुक्स मजीद ऐड भी नहीं की, तो वो वहां पे मौजूद नहीं है, आप डायरेक्टली तौर पे कम्युनिटी में क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा मेरा एक ब्लॉग है जिसमें मैंने लिखा है कि किस तरीके से 6 ऐसे मेथड हैं कि जिसमें आप डायरेक्टली तौर पर फ्री में बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि 6 different websites जहाँ से आप फ्री में बुक्स हासिल कर सकते हैं। उसका मैंने लिंक यहाँ पे आपको दिया है, आप इसको देख सकते हो, इस ब्लॉग को पढ़ सकते हो, ताकि आपको इस चीज के हवाले से हो सके। हाउ साइकोलॉजी रूट्स हेल्प अस, यानी कि ये वेबसाइट आपको किस तरीके से हेल्प आउट कर रही है कि आप कोई भी बुक है आपको चाहिए है, आप आओ कम्युनिटी के अंदर एक रिक्वेस्ट जनरेट करो, आपको वो बुक मिल जाएगी। और मेरे लिए ये हेल्प होगी क्योंकि मैं इस कम्युनिटी के अंदर फोरम के ऊपर वो आंसर करूंगा, तो वो आंसर सबके लिए अवेलेबल होगा, बाद में जो भी पर्सन आ रहा होगा वो डायरेक्टली तौर पे उसी लिंक से डाउनलोड कर सकेगा। तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है कि इधर एक क्वेश्चन क्रिएट करना, और मेरे लिए वो आंसर, मतलब मैं आपको ईमेल में भी सेंड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ईमेल भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आप और मेरे तक महदूद हो जाएंगे। लेकिन जब आपका एक अच्छी बुक या एक अच्छा क्वेश्चन आप पोस्ट करोगे और मैं उसके ऊपर आंसर करूंगा, तो वो सबके लिए अवेलेबल होगा, बाद में आने वालों के लिए। तो ये हेल्प है एक्चुअली कम्युनिटी के लिए, जो साइकोलॉजी के लोग हैं उनके लिए, जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं उनके लिए। तो इसको आप लाजमी फॉलो करें ताकि हम सब मिलके इस चीज को ज्यादा हेल्पफुल कर सकें। अगर आपके पास कोई और अच्छी बुक, आप समझते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की कोई और अच्छी बुक है, आप समझते हैं कि वो ज्यादा अच्छी है, तो आप उस बुक का यहाँ पे वीडियो के नीचे या फिर इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें, ठीक है। इस बटन को क्लिक करके आप कमेंट करें, कमेंट करने के बाद आप बुक का नाम लिखेंगे, मैं उसको ऊपर लिस्ट में ऐड कर दूंगा, और अगर आपको चाहिए होगी मैं उसको कम्युनिटी के अंदर जो है ऐड कर दूंगा। लेकिन कोशिश करें कि प्रोसीजर को फॉलो करें और मुझे बताएं कि मैं अपने इन आर्टिकल्स को, जो टिप्स आपके लिए लिखता हूँ या फिर और बाकी चीजें यहाँ पे लिखता हूँ, उनको मजीद किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ, मजीद किस तरीके से आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ, और आप खुद किस तरीके से इसमें जो है इन्वॉल्व होना चाहते हैं, किस तरीके से इन चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं, मुझे लाजमी बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टिप्स आज की जो है ये लाजमी पसंद आई होगी। उसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम को भी अगर करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं।
टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो ग्रुप लिंक हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको मजीद कोई इंफॉर्मेशन चाहिए साइकोलॉजी रूट्स के हवाले से तो वो आप लाजमी तौर पे मुझसे कह सकते हैं। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप इस वीडियो को आगे दूसरे दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं या फिर आप हमारे YouTube चैनल को अपनी हद तक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको तमाम लेटेस्ट टिप्स, जॉब्स के हवाले से अपडेट्स और दीगर जो अपडेट्स हैं वीडियो के थ्रू वो आपको प्रोवाइड की जा सके। फ्री कोर्सेज भी हम ऑफर कर रहे हैं, LMS के ऊपर जाके आप वो भी पढ़ सकते हैं और भी अपनी आप सजेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपका अल्लाह हामी और नासिर, अल्लाह हाफिज़।